अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। आल पाकिस्तान शेख बरादरी इत्तेहाद जिला राजनपुर के सदर सियासी और समाजी रहनुमा शेख शाहिद इकबाल अपनी बरादरी समेत इजदाद करते हुए शेख शाहिद का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों सिंध जिला कश्मोर थाना गौसपुर के SHO और SSP ने मिलकर हमारी शेख बरादरी के दो नौजवानों को पुलिस मुकाबला बनाकर उन बेगुनाह कत्ल कर दिया गया है। शेख शाहिद इकबाल ने सिंध के वजीर आला IG सिंध और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुतालबा किया है, हमारे बेगुनाह नौजवानों के कत्ल में मुलविस थानेदार गौसपुर अहमद नवाज जाखरानी और SSP इरफान समूह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर हमें इंसाफ दिया जाए। शेख शाहिद इकबाल का मजीद कहना था कि हमारे बेगुनाह कत्ल होने वाले शेख अमीर खान शेख असद के लवाहिकीन को इंसाफ ना मिला तो पाकिस्तान के कोने कोने में रहने वाली शेख बरादरी मुल्कगीर एहतजाज करेगी। रिपोर्ट मोहम्मद रियाज मस्तोई, नुमाइंदा खसूसी वॉइस ऑफ रोही कोट मिठन शरीफ। अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोही न्यूज।